आज की इस वीडियो पर हम आपको भिंडी की फसल पर फ्लावरिंग स्टेज पर बताएंगे कि कौन सी टॉनिक का स्प्रे करना चाहिए, साथ ही एक फंगिसाइड और एक कीटनाशक दवाई का यदि आप स्प्रे करेंगे तो यकीन मानिए अधिक मात्रा पर फ्लावर आएंगे, यानी फूल तो आएंगे साथ ही फल फूलों की संख्या में वृद्धि होगी और फूल फल ड्रॉप भी नहीं होंगे। इसके अलावा कीटनाशक भी हम बताने वाले हैं और साथ ही फंगिसाइड के बारे में बताने वाले हैं जो न केवल पाउडरी मिल्ड्यू की रोकथाम करेगा बल्कि भिंडी की फसल पर अन्य प्रकार के फंगस को भी यह आसानी से रोक लेगा। तो इस वीडियो को फ्लावर स्टेज पर कौन सी टॉनिक, कीटनाशक और फंगिसाइड हमको स्प्रे करना चाहिए, इसकी जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल, मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। भिंडी जब फ्लावरिंग स्टेज पर होती है आपको एक टॉनिक लेना है। आपको कोरोमंडल इंटरनेशनल कंपनी का जो फेंटा प्लस टॉनिक आता है जिसमें अमीनो एसिड विटामिन का एक कॉम्बिनेशन है, आपको लेना है 100 ml यानी 100 ml और आपको मिक्स करना है एक फंगिसाइड। डाटा की जो ताकत फंगिसाइड आती है उसमें जो कॉम्बिनेशन है कैप्टन प्लस हेक्साकोनाजोल का कॉम्बिनेशन है WP फॉर्म में आता है। फंगिसाइड को लेना है आपको 400 ग्राम और उसके साथ आपको एक कीटनाशक दवाई मिक्स करना है बायर कंपनी की एडमायर इंसेक्टिसाइड यानी इमिडाक्लोरप्रिड 70% जो कि WG फॉर्म में आती है, इसको लेना है आपको 40 ग्राम। इन तीनों को मिक्स करके 150 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर दीजिए। देखिए फल फूल की संख्या में वृद्धि होगी, फसल ठीक तरीके से हरी भरी रहेगी, कीट मुक्त रहेगी और साथ ही रस चूसने वाले कीटों को भी आप कंट्रोल और रोकथाम कर पाएंगे। इस कॉम्बिनेशन को फ्लावरिंग स्टेज पर यदि स्प्रे करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट और परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को किसान हित पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं।